आज मैं आपको सिखाऊंगी चार चीजों से आप कैसे बना सकते हैं मीठा बहुत अच्छा ब्रेड पुडिंग बनाना सिखा रही हूँ। इसमें चाहिए होगे आपको दो कुमेल, ठीक है, मैंने निकाल लिए हैं, ये आप दो कुमेल इसमें यूज़ करेंगे। ये डब्बा मैंने निकाल लिया, इसमें आप हलीब का यूज़ कर लें आप, ठीक है, ये क्रीम यूज़ कर लें। साथ में आपको चाहिए जेली, तो इससे मैं अब आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से ब्रेड पुडिंग बना सकते हैं। मैंने जो है वो क्रीम और ये जो कुमेल थे वो दो थे, इसको मैंने मिक्स कर दिया है इसके अंदर। ये इसका मिक्सचर है, अब मैं आपको इसमें सिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। ये मिक्स कर दिया है, इसमें अभी जेली बना लेती हूँ। जेली चाहिए होगी और फिर साथ चाहिए होगी ब्रेड, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी कैसे करना है। बस बेसिक चीज़ें हैं, एक आपको ये हलीब का जो है वो चाहिए क्रीम, कोई भी क्रीम ले लें आप, डेढ़ डब्बा पैक क्रीम ले लें, दो कुमेल ले लें आप, और यहाँ पे जेली ले लें, ठीक है, और साथ में आपको ब्रेड चाहिए होगी। ब्रेड में आपने जो ब्राउन पार्ट है उसका वो निकाल लेना, वो मैं अभी बताऊँगी। तो ये हमारा और ये है इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर। जेली जो है वो मैंने चढ़ा दी है ताकि ये बॉईल हो जाए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, कस्टर्ड के लिए हम थिक कर दें क्योंकि हमें ऊपर उसकी छोटे छोटे क्यूब्स बनाने होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मुझे पानी की तरह पतली लेयर बनानी है, उसके ऊपर मैंने ब्रेड को रखना है, इसलिए इसको हम लोग पानी, इसलिए हम इसको पतला रखेंगे। जब तक ये जेली हो जाती है, जब तक मैं ब्रेड के जो ब्राउन पीस होता है ना उसका चारों तरफ वो कट कर लेती हूँ। ये मैंने ले ली है ब्रेड, ठीक है, ब्रेड के जो ये वाले पीस हैं सारे, ठीक है, ये मैं कट कर दूँगी, मैं कट करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है बहुत सारी, अभी मैंने और भी ब्रेड कट की थी, आपको अपने हिसाब से जितनी भी ब्रेड लेनी हो, जितनी आपकी फैमिली हो आप उस हिसाब से बनाइएगा। मेरे घर में क्योंकि मेरा बेटा जो है बहुत शौक से खाता है और मेरे हस्बैंड की फरमाइश बन रही है ये ब्रेड पुडिंग, उन्हें बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ब्रेड ज़्यादा ले रही हूँ। तो आप इस तरीके से ब्रेड को काट के अलग कर दीजिएगा। आप चाहें तो ये ब्राउन पार्ट भी ब्रेड का जो है साथ ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये फिर जब आप बनाओगे तो थोड़ा खाने में हार्ड लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं खा रही। तो आपने अगर ऐड करनी है तो आप इसके साथ ही ब्रेड को कट कर दीजिएगा, बट मैं अलग करके फिर बीच में इस तरीके से आपने इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से मैं कट करके आपको सारी ब्रेड बताती हूँ। इसको मैं कट करती हूँ और कट करके एक अलग सी प्लेट में इसको सब रखती जाती हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो बस अब मैंने जल्दी जल्दी फास्ट मोड लगा दिया है ताकि आपको जल्दी से समझा सकूँ और कट करती जाऊँ। तो यहाँ पे हम सारी ब्रेड कट कर लेंगे। साथ मैंने खाने में बनाया था जो है वो कढ़ी चावल, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। मैंने बनाए थे आज कढ़ी चावल और साथ में ये ब्रेड पुडिंग, आप ज़रूर घर में बनाइएगा और घर में बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। झटपट बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, चार पाँच चीज़ों से इन्ग्रीडियंट से चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी ब्रेड ऑलमोस्ट जो है वो सारी कट हो गई है, तो बस ये सारी ब्रेड कट हो गई, अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने खाली डिश ली है, ठीक है। अच्छा, आपने कोई भी प्लेट लेनी है, कोई भी डिश लेनी है, ऐसे लीजिएगा जिसके साइड के जो कॉर्नर है बहुत ज़्यादा उठे हुए ना हो। अब जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब ये जेली देखें मैंने कितनी पतली जेली बनाई थी, क्योंकि इसके अंदर जेली जो है वो पतली ही डलेगी। इस तरीके से आपने सारी जेली फैला देनी है, और ये अब देखिए ना, ये जितनी जेली डाल रही हूँ ये बीच में आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो आप ऐसी चीज़ लीजिएगा जिसमें बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जो होती है। ये मिक्सचर है जिसके अंदर मैंने कुमेल डाला था और साथ में मैंने क्रीम डाली थी, इसको मिक्स करके ये भी मैं साइड पे सब लगा रही हूँ। तो जिस चीज़ में आप बनाएं, कोशिश करें कि सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जो मिक्सचर हमने बनाया है वो पूरी हर जगह पर पहुँच जाए, ताकि इसके ऊपर, क्योंकि अभी हमने ब्रेड रखनी है तो ब्रेड जो है वो अच्छे से हर चीज़ उसमें एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई ना बड़ी चीज़ नहीं मिल रही थी जिसमें मैं काफ़ी, क्योंकि इसमें चाहिए बड़ी खुली चीज़ और बड़ी चीज़, तो डिश ही होती है लेकिन मेरी डिश थोड़ी सी साइड से उठी हुई है, तो मैं इस तरीके से करके ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप जब ये बनाएंगे और खाएंगे ना, आपको इतनी अच्छी लगेगी, इतनी मज़े की लगेगी ब्रेड पुडिंग, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप केक खा रहे हो, और कितने मज़े का टेस्ट आएगा। अब ये देखिए, मैं जेली आपने गाढ़ी नहीं रखनी, जेली पतली रखनी है, क्योंकि अभी ये फ्रीज़र में जब जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ब्रेड जो है वो मैं लगाती जा रही हूँ। ये जो है वो ब्रेड मैं सारी एडजस्ट करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ,
इस तरीके से आपने भी अपनी ब्रेड जो है वो लगा देनी है। इस तरीके से लगाएंगे हर जगह पे, हर मिक्सचर में ब्रेड जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। तो ऑलमोस्ट ये ब्रेड सारी लग गई है इसमें, बीच में थोड़ी सी जगह बच गई थी तो मैंने कहा ज़ाया क्यों करूँ, तो मैंने उसको आधी कट करके डाल दिया। अब ये हमने जब इस तरीके से पूरी ब्रेड सजा दी है, उसके ऊपर लगा दी है, इसके ऊपर हम दोबारा से जो है वो मिक्सचर अपना जो है उसे लगाएंगे। और आपने मिक्सचर ऐसे लगाना है कि साइडों से ऊपर से हर जगह पर ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन जाए। देखें इस तरीके से आपने हर ब्रेड के ऊपर मैंने जो है सब मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पेस्ट जो है वो डाला है। अब मैं इसको फैला फैला के लगाती जाऊंगी। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे जेली की तह। और लगाने के बाद आप इसको ऑलमोस्ट, अगर आपके पास टाइम हो तो 1 से 1.5 घंटा जो है इसे फ्रीज़र में कर दीजिएगा, ताकि ब्रेड के अंदर जो है वो सारा रच बस जाए। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा आप सही से ऐड कर दीजिएगा, कॉर्नर्स के ऊपर, साइड्स के ऊपर थोड़ा सा फैला फैला के इसको, इस तरीके से हमने ये सब मिक्सचर कर दिया। और जेली का भी ख्याल रखिएगा, जेली वो ये कि जेली बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, जेली पतली रखनी है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो ये लगाने के बाद जेली का मिक्सचर भी लगा दूँगी। और मेरे पास ना वो रेड वाला जो वो होता है शरबत, जाम मशीरी जिसे कहते हैं, वो मेरे पास नहीं था। अगर तो आपके पास हो तो आप भी उसको ज़रूर इसमें ऐड कर दीजिएगा, ऊपर डेकोरेशन कर दीजिएगा, और साथ में अगर आपके पास नट्स हो तो वो भी इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, बट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दीजिएगा। ये देखें, ये मैंने सब बिल्कुल सेट करके लगा दिया है ब्रेड पे हर जगह के ऊपर, और साथ ही मैं इसके ऊपर ये जेली सेट कर रही हूँ। तो आपने भी इस तरीके से इसको जेली सेट कर देनी है, हर तरफ देख के सेट कीजिएगा कि हर तरफ जो है हर ब्रेड के ऊपर हर जगह पे लग जाए। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मिक्सचर और जेली जो है वो अच्छे से लगा दी है। अब मैं इसको जो है वो फ्रीज़र में रख दूंगी, और फ्रीज़र में रखने के बाद फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे बनाई थी साथ में कढ़ी, और ये बहुत ही कोई मज़े की कढ़ी बनी है, और वाह 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये कढ़ी बनाई थी साथ, मैंने बनाए थे चावल, तो ये है कड़ी चावल और साथ में ब्रेड पुडिंग। ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक, ठीक है। ये मैंने फ्रीज़र में रखा था और आधे 1 घंटा आई थी मैंने फ्रीज़र में रखा, और फ्रीज़र के बाद ये, अब मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये देखें कि कैसे कैसे मैंने जेली बनाई थी और ये कैसे एकदम जम गई। ये देखें, ये पूरा इसका देखें, ये नीचे का भी देखें, ये पूरा हो गया, मैंने ऊपर पलट दिया, ठीक है। मैं आपको सीधा ही करके दिखाती हूँ, ये देखें और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतने कोई मज़े का बनता है, ये देखें। ओहो हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप केक खा रहे हैं। इसे कहते हैं ब्रेड पुडिंग, और ये बहुत जमे बनती है। तो भाई ये बहुत मज़े का बना, सो यमी। यहाँ पे व्लॉग को करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।